हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के दोस्तों वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है सिंगल कंट्रोल लूप काम करता है, और सिंगल कंट्रोल लूप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से कनेक्ट होता है। एनिमेशन की हेल्प से आपको उसकी वायरिंग पूरा एंड कंट्रोलिंग आपको समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन की कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में हम आपको कोशिश करते हैं कि ढेर से ढेर बेसिक से बेसिक वीडियो लेके आए, ताकि आपको अगर बेसिक समझ में आएगा तो हाई लेवल का तो आप कर ही लेंगे समझ के कैसे भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमको हर वक्त हर टाइम अपने आप को अपडेट करना पड़ता रहता है नई नई चीज़ों से। लेकिन अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो वी कैन डू एनी थिंग वट एवर वी इनकाउंटर विथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एनिमेशन मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन में हो क्या रहा है, इस कॉन्फ़िगरेशन में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये मेरा एक ट्रांसमीटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है 4 to 20 mA लूप पावर लेवल ट्रांसमीटर। तो इसका मतलब है कि लूप पावर का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। दोस्तों, आप चाहे हमारे वीडियो की लिस्ट में जाके इसे समझ सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। तो दोस्तों, होता क्या है टू वायर ट्रांसमीटर में कि एक वायर जो है ये 24 वोल्ट की सप्लाई है, इस 24 वोल्ट की सप्लाई का 24 वोल्ट का पॉजिटिव जो है वो हम डायरेक्ट हमारे किसी भी ट्रांसमीटर में देते हैं, चाहे वो फ्लो का है, लेवल का हो, प्रेशर का हो, किसी का भी हो। तो हमने यहाँ लेवल लिखा रखा है, तो लेवल का ट्रांसमीटर है, किसी टैंक में लगा होगा। यानी प्लस का 24 सप्लाई इसको प्लस में देना पड़ेगा, यानी आपको 24 सप्लाई का कनेक्शन किसी टू वायर ट्रांसमीटर के प्लस में करना पड़ेगा, और इसका जो नेगेटिव है ट्रांसमीटर का वो आपको करना पड़ेगा एक कंट्रोलर में। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है एक PID कंट्रोलर, सिंगल लूप कंट्रोलर, जो कि आपने मैसी बस के, योकोगावा के या हनीवेल के आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो ये वही एक कंट्रोलर है, इसमें 4 to 20 mA का इनपुट है, करंट PV चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं वो आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या करना क्या है आपको, प्लस का आपने कनेक्ट कर दिया टू वायर ट्रांसमीटर से, निगेटिव आपको कनेक्ट करना है 4 to 20 mA इनपुट के कंट्रोलर में। ठीक है, ये दोस्तों हो गया हमारा ट्रांसमीटर का। अब दोस्तों, PID कंट्रोलर है, कंट्रोलर का मतलब वो कुछ कंट्रोल करेगा किसी चीज़ का फीडबैक लेके। तो उसने दोस्तों लेवल का फीडबैक ले लिया है, जैसा कि हमने अभी तक रीड कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये हमने इस PID कंट्रोलर में कोई ना कोई सेट पॉइंट डाल रखा होगा, जिस सेट पॉइंट को मेंटेन करने के लिए ये PID कंट्रोलर आउटपुट निकालेगा, जो कि आप देख सकते होंगे ये इसने आउटपुट निकालना चालू कर दिया है। तो चलिए आउटपुट वाला पाथ आपको समझा दिया जाए कि आउटपुट वाले पाथ में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, हर कंट्रोलर में इनपुट भी होता है और आउटपुट निकालने वाला भी होता है। रिले के भी कुछ यहाँ पे स्क्रू दिए जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, वो आप जनरली जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो किसी भी कंट्रोलर को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा, चाहे टेम्परेचर कंट्रोलर हो या कोई लेवल नॉर्मल PID कंट्रोलर हो। तो यहाँ से 4 to 20 mA का आउटपुट दोस्तों निकल रहा है, और ये सबसे पहले जाता है IP ट्रांसड्यूसर में। दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने स्मार्ट पोजिशनर नहीं लिया हुआ है, एक नॉर्मल आपका न्यूमैटिक पोजिशनर लिया हुआ है। तो न्यूमैटिक पोजिशनर को काम करने के लिए वी नीड अ IP ट्रांसड्यूसर, और IP ट्रांसड्यूसर यहाँ पे, IP ट्रांसड्यूसर क्या होता है दोस्तों, जो इनपुट लेता है करंट और आउटपुट निकालता है प्रेशर अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, जो सिग्नल कंट्रोलर उसको दे रहा होगा। तो 4 to 20 mA का सिग्नल हमारे IP ट्रांसड्यूसर में आया, IP ट्रांसड्यूसर के इनलेट में इंस्ट्रूमेंट की एयर सप्लाई आई, जो हमारे एयर टायर से आ रही है। फिर IP ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जितना सिग्नल आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल उसने एयर निकाला, वो सिग्नल जो है ये हमारे न्यूमैटिक पोजिशनर में चला गया। उस न्यूमैटिक पोजिशनर में एक डायरेक्ट एयर की सप्लाई और आती है, जिससे इस वॉल को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने वॉल दिखाया है दोस्तों, एयर टू ओपन दिखाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं सिग्नल जा रहा है तो मेरा वॉल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, वैसे इतना तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं होता, ये तो मैंने एनिमेशन दिखाया इसलिए बार बार ओपन और क्लोज़ हो रहा है। तो ये दोस्तों कंट्रोलिंग, ये हो गया मेरा कंट्रोल वॉल, हो गया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इन एनी लूप, किसी लूप में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, तो वो उस समय यहाँ पे कंट्रोल वॉल है, और जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ ट्रांसमीटर है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है किसी सिंगल कंट्रोलर का किसी फील्ड में। तो ये था सिंपल सा एनिमेशन जो आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि टू वायर ट्रांसमीटर की हेल्प से किसी कंट्रोल वॉल को कैसे कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि इसका कॉमन जो है वो आपको कनेक्ट करना है करंट वाले के निगेटिव के कॉमन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने 24 सप्लाई का जो प्लस वाला था वो प्लस के ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर दिया था, जो उसका निगेटिव वाला था वो आपने 4 to 20 mA के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था।
तो आपको निगेटिव वाला वायर जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 24 वोल्ट वाली पावर सप्लाई से ही उसके कॉमन से ही कनेक्ट करना है, अदरवाइज़ वो लूप जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये एनिमेशन आपको कहीं ना कहीं बेसिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर देगा कि कैसे कोई लूप में इनपुट डिवाइस और फाइनल कंट्रोल डिवाइस को हम वायरिंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।